हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के संग्रह के साथ उपस्थित हुए हैं। अगर आपको हमारे आज का ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही मिल जाए। तो चलिए विदाउट एनी डिले पहले शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किसके कारण दूध दही में परिवर्तित होता है? तो जीवाणु लैक्टोबैसिलस के कारण दूध दही में परिवर्तित होता है। थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन है जो थायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होता है और हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR कंट्रोल करता है। RAM रैम शब्द का क्या अर्थ है? रैम शब्द का अर्थ है रैंडम एसेस मेमोरी। गुरुत्वाकर्षण का सर्वत्रिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये नियम न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह क्या परिवहन करती है? तो वह ऊर्जा का परिवहन करती है। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहते हैं? विभव मापी कहते हैं। दोस्तों, सूर्य में कौन सी नाभिकीय ईंधन होती है? हाइड्रोजन होती है और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है, जिसमें चार हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ते हैं और बहुत ही उच्च मात्रा में ऊर्जा विमोचित होती है। धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान के पौधे में जिंक धातु की कमी से खैरा रोग होता है। बल्ब के फूटने पर, फ्यूज हो जाने पर तेज आवाज क्यों आती है? इसके अंदर शून्य हो जाता है, इसीलिए तेज आवाज आती है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को दोस्तों जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन है? वह है बंदर। हनुमान जी से ही समझ लीजिए दोस्तों। IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो IR20 या IR20 धान की उच्च पैदावार वाली किस्म है। वह कौन सा फल है जिसमें असली फल भी है और नकली फल भी है? केला एक ऐसा फल है जो असली फल भी है और नकली फल भी है। वास्तव में ये बीज रहित फल है जिसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं और दो जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो मादा में XX होते हैं और नर में XY होते हैं। इसीलिए शिशु के लिंग का निर्धारण नर के क्रोमोसोम से होता है। स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल के नियम का अनुप्रयोग है दोस्तों। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रॉन्शियम नाम के तत्व की उपस्थिति के कारण पटाखों का चमकीला रंग हमें दिखता है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल की कठोरता की पहचान है दोस्तों कि उसमें साबुन का झाग जल्दी से नहीं बनता है, और मृदु जल की यह पहचान है कि उसमें साबुन का झाग जल्दी से बन जाता है। जल में कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के उपस्थिति के कारण होती है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम दोस्तों पेनिसिलिन की खोज से संबंधित है, जो कवक पेनिसिलियम से लिया गया था, बनाया गया था दोस्तों। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप शुष्क बर्फ है, यानी कि ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों ड्राई आइस भी कहते हैं।
शीत ऋतु के दिनों में किस प्रकार का मौसम होने पर हम ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम होने पर शीत ऋतु में हम ज्यादा ठंड महसूस करते हैं क्योंकि किरणें जो होती हैं, जो वायुमंडल में जो गर्माहट होती है वो अंतरिक्ष में स्केप कर जाती है, गायब हो जाती है, जबकि बादल लगे रहते हैं जब वायुमंडल में, जब हमारे पृथ्वी के चारों तरफ बादल का एक आवरण रहता है तो वह गर्माहट एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है। इसीलिए जब साफ मौसम रहता है शीत ऋतु में तो उस रात को हमें ज़्यादा ठंड महसूस होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें फ्रेंड्स। और ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक्स पे क्लिक करें और मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं फ्रेंड्स। अब हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस ला रहे हैं, इसीलिए टाइम टू टाइम देख के इसे बेनिफिट लें। थैंक यू फ्रेंड्स।